हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जापनीज विद पूनम में, जहाँ पे मैं हूँ पूनम। मैं आपको सिखा रही हूँ जापानी भाषा, वो भी हिंदी में। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं मिन्ना नो निहोंगो लेसन नंबर 13 का जो बचा हुआ ग्रामर पैटर्न है वो। तो ग्रामर बहुत ही सिंपल है, पार्ट नंबर 3। तो अभी हम देखने वाले हैं ये इकिमास, किमास, खैरिमास, ये जो डायरेक्शन के लिए वो मतलब वर्ब यूज किए जाते हैं, उनके साथ में आने वाला पार्टिकल। ठीक है, उसके बाद हम ये दो को नी ये भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले लेते हैं नाउन। नाउन जो है वो आपको बताना है प्लेस। ओके, नाउन जो है वो आपको बताना है प्लेस। प्लेस का नाम यहाँ पे देना है, जैसे कि आप बोल सकते हो पूना, मुंबई, ओके, दिल्ली। तो इस तरह से प्लेस आपको यहाँ पे देना है। ये पार्टिकल आ जाएगा, पार्टिकल ए, या फिर नाउन वर्ब। अगर आप वर्ब वहां पे यूज करने वाले हैं तो आपको क्या करना है, मास फॉर्म जो है ना वो निकाल देना है। जैसे कि ताबे मास है तो ताबे मास का मास निकल जाएगा और उसके साथ आ जाएगा नी, इकिमास, किमास, खैरी मास। इकिमास का मतलब है जाना, किमास का मतलब है आना, खैरी मास का मतलब है जाके वापस आ जाना। ठीक है, तो देखो गो अराइव, गो बैक टू समवेयर, टू डू समथिंग। ओके, तो इसी इसी तरह से इसका यूज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कि नाउन वर्ब है तो वर्ब का मास फॉर्म निकल जाएगा। ओके, वहां पे पार्टिकल नी आ जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से पता चले। निहोन ए खाई मोनो नी इकिमास। ओके, यहाँ पे खाई मोनो मतलब क्या, शॉपिंग। ओके, सो निहोन ए जापान, यहाँ पे प्लेस जो है वो हमने क्या किया है, और नाउन जो है वो प्लेस दिया है। सो निहोन ए खाई मोनो नी इकिमास, किसके लिए जाना है, शॉपिंग करने के लिए जाना है। वाताशी वा निहोन ए निहोंगो ओ बेंक्यो शी नी इकिताई देस। ओके, बेंक्यो शी, शिमास का मास निकल गया, बेंक्यो शी नी इकिताई देस। मुझे जापान में जापानी भाषा सीखने के लिए जाने की इच्छा है। ठीक है, तो इसी तरह से ग्रामर पैटर्न जो है ना यो यूज होगा। दूसरा जो पैटर्न है वो है नाउन वन नी या फिर दे, नाउन टू ओ और वर्ब आ जाएगा। ठीक है, कोई तो एक्शन वर्ब होगा, मतलब टू डू समथिंग एट अ टाइम एट समवेयर। ठीक है, इस तरह से यूज होगा। शिची जी नी उची ओ देमास। ठीक है, शिची जी नी उची ओ देमास मतलब 7 o'clock को मैं घर से बाहर निकलता हूँ। ठीक है, शिची जी नी ये ओ देमास। यहाँ पे देखिए नाउन नी वर्ब या फिर नाउन ओ वर्ब। ठीक है, देखते हैं क्या इन दिस सेंटेंस द पार्टिकल नी इज यूज विथ हायरिमास। ठीक है, हायरीमास, तो यहाँ पे क्या है, नोरीमास एंड हायरीमास, ये जो दो वर्ब है ना तो उनके साथ में पार्टिकल नी आ जाएगा, ये हमें दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, आनो किस साथ है नी हायरीमाशो, मतलब वहां पे जो कॉफी शॉप दिख रहा है ना उसमें चलते हैं। आनो किस साथ है नी हायरीमाशो। ठीक है, यहाँ पे आनो किस साथ है ओ हायरीमाशो वा जेत्ताई दामे देस। ठीक है, वो नहीं आ जाएगा। सो आनो किस साते नी हायरीमा शो, देनशा नी नोरीमा शो। ठीक है, नी नोरीमास, नी हायरीमास। अब हम देखेंगे दोको का और दोको का नी। ओके, दोको का या फिर नानी का। ठीक है, सो देखते हैं दोको का मतलब है समवेयर, कहीं पे। तो नानी का मतलब समथिंग, कुछ कुछ तो। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे, नो दो देश ने, नो दो। ओके, नो दो गा खावा की मास्ता मतलब थर्स्टी, प्यास लगना। ओके, नो दो गा खावा की मास्ता, कारा इसलिए नानी का ओ नोमी ताई देश, कुछ तो पीने की इच्छा है। ठीक है, क्योंकि आई एम थर्स्टी नाउ। ओके, मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ तो पीने की इच्छा है। फुयु या सुमी, ये फुयु की कांजी है मतलब विंटर। फुयु या सुमी नी दोको का इकिताई देस। इकिताई जाने मतलब डायरेक्शन के लिए वर्ब आ गया, इसलिए ए इकिताई, दोको का ही इकिताई, समवेयर, मुझे कहीं पे तो जाने की इच्छा है। कब, विंटर में। ठीक है, मतलब वहां पे छुट्टी लगती है, उसमें मुझे घूमने के लिए जाना है।
ओना कागा सुइता हृदय। ओना कागा सुको का मतलब क्या है? भूख लगना। ठीक है, ओना कागा सुइता हृदय, मुझे भूख लगी है इसलिए नानी का ओ बिताई देस, मुझे कुछ तो खाने की इच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने ब्रैकेट में ओ ए ओ ये जो डाला है ना, इसका मतलब ये है, आप उसे नहीं भी लिखोगे ना तो भी मीनिंग कन्वे हो जाता है। जैसे कि नोदो का खावा की माँ सकारा नानी नोमिताई देस, कुछ तो पीने की इच्छा है नानी का नोमिताई देस। यहाँ पे ओ जो है ना वो आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो उसी तरह से वो कन्वे भी हो जाता है। तो इस तरह से जो ग्रामर पैटर्न है वो 13 में आ गए हैं। सो अरिगातो गोसाइमाश्ता। सो बहुत ही सिंपल ग्रामर पैटर्न है, पूरे के पूरे पार्ट 1, 2 और 3, ये पूरे ग्रामर पैटर्न आप जो है ना वो लर्न करके रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और N5 N4 का जो ग्रामर पैटर्न है वो ही डेली यूज हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो आपका बेस है वो परफेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए सीखते रहिए, धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।